mostly the characters that I get are, you know, are cops or you know, active people, or mera dhancha hi kuch aisa hai. I was recently for about a month and a half I was in the hills. There were days where I ran about 2.5 hours in the morning. So I think 8-10 din main 2.5 ghante bhaga hu aur pahad chadha hu aur trekking kiya hai aur ghum ho gaya hu jangalon mein fir rasta dhoond kar wapas aaya hu usko 4-4 ghante lage. You know, I was doing very well on television and I was making buckloads of money on television and it was a great life. है ना, जो चीज चाहिए होती थी ओवरनाइट खरीद लेते थे कि पता है कि अगले महीने आएगा भरपूर. Hi, this is Ronit Bose Roy and you're watching me in conversation with Faridoon on Bollywood Hangama. Ronit Roy, sir, welcome on Bollywood Hangama. Thank you, Faridoon. Thank you so much. Sir, I was watching a few of your interviews in the morning today. और आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जान तेरे नाम है रिलीज हुई 25 हफ्ते तक सिनेमा हॉल में थी उसके बाद लेकिन आपको यू आर नॉट गेटिंग ऑफर्स एंड किस तरीके से आपने वो फेज आपने देखा है मुश्किल फेज देखा है और काफी साल तक वो मुश्किल फेज आप कंटिन्यू करा. मुझे एक थॉट ये जहन में आया कि जो फिटनेस लेवल्स आपके इतने एडवांस्ड हैं मुझे लगता है कि वो आपने सारा आपने मतलब सारा टाइम खींच लिया है कि मुझे उस टाइम पे मौका नहीं मिला था तो मैं फिटनेस लेवल इतने हाई कर लूंगा कि मुझे रोल अभी भी वो 30 इयर्स वाले जो है वो मिलने चाहिए 30 साल के रोल निभाने वाले. तो ये कुछ ये इस तरीके की सोच है. हाँ, यू आर पार्शली करेक्ट. फरीदून, क्या है कि द सीक्रेट इज दैट मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो मैं जब भी अपने बच्चों को देखता हूँ ऐसा मन में ख्याल आता है कि यार ये तो बड़े छोटे हैं अभी, इनको तो बहुत बड़ा होना बाकी है. तो वो अपने आप एक जज्बा कायम होता है अंदर मन में कि यार थोड़ा सा इनिंग्स अब लंबी खेलनी है. तो फिटनेस, जैसे कि आपको पता ही है, एक्टर्स के लिए फिटनेस इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस क्योंकि हमारा जो एसेट होता है वो यही है, फेस एंड बॉडी, दैट्स आवर एसेट एंड टैलेंट. तो एक तो ये बात हो गई प्रोफेशनल. पर्सनल लेवल पे ये है कि यार ये अभी भी मैं जो जीन्स पहना हूँ ये कुछ 6-7 साल पुराने हैं और वैसे तो नए जीन्स ले लेता हूँ मैं कभी कभी, पर मेरे फेवरेट जीन्स जो हैं वो ये 7-8 साल 10 साल पुराने हैं. तो वो जब टाइट होने लगता है ना तो ऐसा बुरा लगता है कि यार जीन्स टाइट हो रहे हैं, थोड़ा कुछ करना चाहिए नहीं तो फेवरेट जीन्स जो है वो पहन नहीं पाएंगे. तो थोड़ा वो पर्सनल भी है कि थोड़ा फिटनेस लेवल मेरी कम होती है या मैं दौड़ नहीं पाता हूँ या वर्कआउट ठीक से होता नहीं है तो थोड़ा स्लगिश हो जाती है बॉडी और फिर वो अच्छा नहीं लगता, लैक ऑफ एनर्जी या यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो जैसे लोग कई लोग एनर्जी के लिए ये जो आजकल जो नए सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह निकले हैं वो लेते हैं. आई एम ऑल्सो एनर्जी एडिक्ट बट मैं आई लाइक दैट एनर्जी टू बी नेचुरल इन मी. तो वो मेरा रनिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, वर्किंग आउट, स्लीपिंग वेल, ईटिंग वेल, तो मेरी ऊर्जा इन सब चीजों से आती है. मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारा कुछ बरकरार रहे. So, what do you eat on a regular basis and how much time do you exercise daily? So, my exercising, there is no pattern because I don't go to the gym. It's been almost about 2.5 years since I've gone to the gym. I work out freehand. I sometimes when I'm running, depending upon what my body is saying, if
my body is tired, then I run for about 45 minutes to 1 hour. If I have the energy and if I don't have too much work on that day, I may run for an hour and a half. I was recently, for about a month and a half, I was in the hills. There were days where I ran about 2.5 hours in the morning. So I think 8-10 din main 2.5 ghante bhaga hu aur pahad chadha hu aur trekking kiya hai aur gum ho gaya hu jangalon mein fir rasta dhoond kar wapas aaya hu to usko 4-4 ghante lage. To koi fix rule nahi hai mera ki aaj hum jaise bolte hain chest and tricep karenge aur kal back and bicep karenge, aisa nahi hai. To main cycle leke bhi nikal padta hu, main building lift nahi leta, main seedhiyan chadh ke jata hu. To wo continuous ek process laga rehta hai. Now, depending upon how much energy I have on that particular day, my workout is kind of formulated on the spot. And what is it that you tend to eat on a daily basis? I eat everything. It'll be very surprising for you to know. I love gulab jamuns. I love rasmalai. So, yoriya sabhi khata hu. Mera aisa manna hai ki insaan ko sab kuch khana chahiye. But haan, main pet bhar nahi khata. Mujhe kisi ne bataya tha ki aapka jo gut hai, wo itna hai aapke fist ke jitna. So, like this much, mutthi bhar. तो मैं इतना इतना खाना खाता हूँ जो एक क्वार्टर प्लेट पे फिट हो जाए. तो जैसे कि समझो अगर मैंने एक डिश पनीर टिक्का खाया फॉर लंच, सो दैट इज इनफ फॉर मी. पर ऐसा मेरा ऐसे मेरी जिंदगी में नहीं है कि ये मैं नहीं खाऊंगा वो मैं नहीं खाऊंगा. मैं कार्ब्स थोड़े कम खाता हूँ. मेरे वेजिटेबल्स से जितने कार्ब्स मिलते हैं मैं उतना ही खाता हूँ. और मैं like wheat, rice, ये जो accompaniments हैं जो Indian cuisine की, वो थोड़ा कम ही खाता हूँ. सवेरे अगर आधा toast खा लिया तो खा लिया, पर आधा toast के साथ मैं फिर 6 अंडे खाता हूँ. मैं 25 से 50 ग्राम cheese खाता हूँ. I'm very fond of cheese, so I eat a lot of cheese. मैं फिर cheese तो कभी भी खा लेता हूँ, मैं दिन भर खाता रहता हूँ. So there is no hard and fast rule कि ये खाना है और ये नहीं खाना है. मीठा खाने का मन किया तो खा लेता हूँ. ज़्यादातर sugar I avoid, but वो कभी कभार एक रसमलाई एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ. Okay, now जब मैंने इसका teaser मैंने देखा है जुर्म और जज्बात का, ये आपका नया शो आ रहा है, तो उसमें first thing जो मुझे जो अपील करी, and that was your fitness level. You looked very fit. Thank you, sir. Thank you. So when you're hosting a show, is it important? Because आपकी जो body है वो उसके full length आ रहा है. So ये सब चीजें भी consciously आप mind में रखते हैं कि that if you're shooting for a show like this, for example, not specifically for any show. अब ज़्यादातर मुझे जो characters मिलते हैं, none of those characters have wanted me to be overweight. But agar aisa koi character mila jiska belly hona chahiye, paunch hona chahiye, to main badha bhi lunga. Mostly the characters that I get are cops or active people, or mera dhancha hi kuch aisa hai. To it's not that I prepared for the role. वो ऐसा था मैं तो और हो गया तो. I think the both have come together well. Right. Okay. So please tell us something about the show. Jurm aur Jazbaat. Interesting premise है. हाँ. So there is Faridun. एक तो होते हैं hardened criminals जिनका profession crime होता है. एक होता है आपके जैसे मेरे जैसे लोग, आम लोग जो फैमिली पीपल एंगेज्ड इन अ नॉर्मल प्रोफेशन. होता क्या है कि जैसे हमने देखा है कि रोड रेज, सिंपल एग्जांपल,
जैसे रोड रेज, रोड रेज में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं और कभी कभी वो कत्ल तक भी पहुंच जाता है। अब वो जो इंसान गाड़ी चला रहा था जिसे गुस्सा आया, वो घर से तो नहीं निकला था सोच के कि मैं आज किसी का कत्ल करूंगा, वो हो गया। उसके चलते दो बातें हुई, धक्कम धक्की से शुरू हुई, मारामारी हुई और गलती से किसी ने किसी का सर पटक दिया और कत्ल हो गया। तो जुर्म और जज्बात इज अबाउट दोस पीपल हु लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो जैसे कि अनहैप्पीनेस या फ्रस्ट्रेशन या हाल ही में हम लोग सुन रहे हैं बहुत सारे केसेस सुइसाइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, और यू नो तो ये बहुत सारे किस्से सामने आ रहे हैं, और लालच की वजह से जो लोग यू नो वो टेक एक्सट्रीम स्टेप्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, फिर ईर्ष्या की वजह से लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। सो ये दिस शो इज अबाउट दोज कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी who because of the heightened emotion and because of not being able to keep that heightened emotion in control have lost control over themselves, over their mind and their actions, and have committed a crime. Most of these people did not want to commit a crime and they were very remorseful after committing it, but wo hai na ki wo hadsa कि हादसा हो गया उनके जीवन में, उनके हाथों से, उनके किए से। सो इट्स अबाउट दोज पीपल। सो जुर्म और जज्बात कि जज्बातों से जो जुर्म लिंक्ड होते हैं, दिस शो इज अबाउट दैट। ओके, एंड कितने एपिसोड्स हैं? इफ यू कैन टेल अस समथिंग मोर अबाउट शूटिंग एक्सपीरियंस। दिस इज 5 days a week। मैं पहले जो 30 एपिसोड कर रहा हूँ, 30 episodes I'm hosting, and then I have some commitments, so I'm not clear कि आगे क्या होगा। समय की थोड़ी कमी है मेरे डायरी में, but we are trying to work it out, so let's see what happens after that. Okay, now अभी आपने जैसे जिक्र किया कि that जैसे even within the industry we have seen examples of people who have not been able to cope with the various pressures, and Sandeep Nahar ka bhi recently example hai jo ki unhone khud ki jaan unhone le li. aapne bahut mushkil apne samay aapne dekha hai. Certain people they are not able to cope with pressures. You successfully did. आपने सिक्योरिटी का भी आपका एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, एंड फिर उसके आपके टेलीविजन हैपेंड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, मूवीज हैपेंड, एंड जो जो मेरे ख्याल से आप करना चाहते थे वो सब चीजें आपने अचीव करी हो। मे बी मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज एन एक्टर यू फ्लरिश्ड, जान तेरे नाम में एज अ स्टार आपका एक बर्थ हुआ था, लेकिन एज एन एक्टर जो आपको एक इज्जत मिली है वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू। अगर आप कुछ अपने जर्नी के बारे में बताना चाहें कि दैट कैसे आपने कोप किया, क्यों जरूरी है एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन रखना, एंड हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी गुड फॉर यू। सी लेट्स फरीदून, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एवरीबॉडी इन देयर लाइफ हैज देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ माय सेट ऑफ प्रॉब्लम्स माइट बी डिफरेंट फ्रॉम योर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, but everybody has problems, has issues in their lives. Having said that, all issues have a resolution. Every problem has a solution. That solution might be visible in a short period of time, or it might take a longer time for that solution to unfold itself. Kyunki kai baar प्रॉब्लम्स सिर्फ हमें नहीं होती, वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से भी गवर्न होती है। तो जब तक वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ना बदलें, तब तक उनके बारे में कुछ भी करना ऑलमोस्ट असंभव होता। जब ये असंभव होता है तो देन दैट प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ ग्रीफ,
that grief keeps mounting in your system. That's what creates the pressure. And when there is no exit, visible exit from that grief, then people take extreme steps. My funda is very simple. There is a Buddhist way of looking into this, which is the cause. First, you look at the cause as to what is causing the problem, and then action, and then cessation. And then you take action once you have determined what the root cause is. And then, you know, once you address the root cause, ho sakta hai ki aapki problem jo hai, uska jo jahan se wo problem aayi hai, wo kahin aur hi ho. Aur hum log koi aur disha mein hi dekh rahe ho. To aisa bhi hota hai ki aap solution nahi dekh paate kyunki aap us problem ki root ko nahi dekh rahe. To, you know, the idea is to look at the root of the problem, then kind of figure out how to go about it. Also, it is easier said than done. But you know, I believe that a quieter mind, a saner mind, can find a solution to a problem much quicker than an agitated mind. So, वही है जो हमारे बाबूजी सिखाया करते थे कि गुस्सा आए तो पहले दस्तक गिन लो कुछ बोलने से पहले. Similarly, if there is a problem, then you know, one should kind of wait for the mind to calm down a little bit before taking a decision or you know, arriving at any kind of solution, immediate solution. And then, to yaar, other than this, I am really not an expert at this issue. So, and like I said, everybody's issues are different, and the solutions are also different. So it's pretty much, you know, for everybody else to kind of figure out where they are in their lives. Okay, sir, मैंने अभी कुमार शानू का साहब का मैंने इंटरव्यू किया था कुछ दिनों पहले, and we spoke about जब तक है जान. उनके बहुत fond उनके memories थी जब तक है जान की. कैसे आप याद रखते हैं? Because I think मेरे ख्याल से जो वो गाने जो आपकी जो popularity उन्होंने जो देखी है, वैसा तो मेरे ख्याल से बहुत ही rarely शायद आपके करियर में हुआ होगा when it comes to songs. हाँ, हुआ तो rarely है, लेकिन एक गाना है मेरी फिल्म का जान तेरे नाम का, जो आज भी मैं जाता हूँ कहीं कहीं तो ऐसे सुनाई देता है मुझे कहीं कहीं बजता हुआ. और 29 साल हो गए उस पिक्चर को रिलीज हुए और आज भी वो गाना बज रहा है. सो ये अखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज है जहां हम अपनी जान तेरे नाम करता है. आज भी वो गाना बजता है. सो बट हाँ, यू आर राइट यार फरीदुन, जो जैसे शाहरुख साहब के जो गाने हैं, और मेरा एक ये सिंगिंग शोज जो आते हैं टीवी पे, मैं वाइफ के साथ बैठ के देखता हूँ, तो ये एहसास होता है कि उस तरह के गाने जो 50 साल बाद भी आज भी बज रहे, तो वैसे गाने शायद शायद मुझे नसीब नहीं हुए. बट आई एम हैप्पी यार कि थोड़ा मिला लेकिन काफी है. नहीं नहीं कमाल है. एक चीज मैं और सोच रहा था भाई, मैं आपके काफी इंटरव्यू मैंने आज सुबह देखे हैं कि बहुत से स्टार्स होते हैं, उनका लंबा उनका करियर होता है एंड सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन एक चीज जो शायद उनको एक चीज जो शायद फुलफिलिंग नहीं हो पाती है कि वो एज एन एक्टर उनको शायद एक वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता. Now, I think you have a very unique distinction के आपको as an actor आपको बहुत ज़्यादा appreciate किया गया. आप कोई भी आपका काम होता है तो आपकी acting को उसके अंदर appreciate किया जाता है, especially जो आप एक जो I think किसी भी बड़े actor की एक ये capability होती है कि वो अपने silences से कुछ कह सके, अपनी आंखों से कुछ कह सके, अपने जो facial expressions से अपने अपने उसके अंदर क्या
एक तूफान उमड़ रहा है उसको वो एक कंट्रोल्ड वे में एक्सप्रेस कर पाए. यू बीन एबल टू मैनेज दैट. It's been a fabulous journey. Having said that, there are few parts to your question. It is not like it happens to only few actors. It can happen to any actor, but it needs the actor needs to have a lot of courage to start with. I don't want to comment on what other actors think, how they think and what they do. I'll just kind of comment on myself that, I was doing very well on television and I was making potloads of money on television and it was a great life. Jo cheez chahiye hoti thi, overnight khareed lete the. कि पता है कि अगले महीने आएगा भरपूर. एंड इट वाज बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट वाज यू नो रियली बिग मनी. एट दैट टाइम आई थॉट इट वाज करेज, बट एवरीबडी अराउंड मी थॉट इट वाज फूलिशनेस टू से नो टू दैट मनी एंड वॉक अवे फ्रॉम इट. नाउ I'm a sane person, so I understood that walking away from it meant that you need to restart your career all over again. You need to kind of go back to the drawing board, which I did. I went back to the drawing board and I said, "Arey yaar, ye to humne kar liya, abhi kaam to aata nahi hai yaar. To kaam bhi to seekhe saath saath mein." So then came the next step where one said, yeah, if you're going to work in a different medium and work with people, who are much more talented than you are, if you're going to work with directors who are going to expect more from you, and if you're going to raise your own standards, you need to back it up with education. So then I started studying again. An actor's way of studying, there are various ways of studying. And mm-hmm. I resorted to all of them. I started spending time with myself. I became a recluse. I started watching a lot of material from other actors on YouTube. There's a wealth of information there. I got myself a lot of books. I started doing notes. Exercises and then talking to other actors who are also teachers about what they thought and kind of rediscovering, redefining yourself. The process is still ongoing. I still carry a book wherever I go and, I try and find more things to learn and then put them in practice. So all that came from a sense of like I said, thoda mila hai, lekin kafi hai. So it's more than whatever I've received is more than enough. And the realization that at the end of the day, it's just four of you sitting on the dining table and having a meal together. And that does not take much. So that's what I told my wife, let's try and walk the road less traveled and see where we end up. So jaise ki kehte hain Faridun that you have to spread your wings if you are going to fly. So that I think was the greatest at that time very scary turn in my life to walk away from a well-established thing, something jo dukaan aapki chal rahi hai itni khoob use aap band karke bol rahe hai ki main alag dukaan khole mein. But I think that was one of the reasons that then I started then work came and I had to say no to work because mila ye to main pehle bhi kar raha tha
और इसके लिए तो मुझे ट्रिपल पैसे मिल रहे थे, तो वही काम मैं 1/3 पैसे में क्यों करूं? तो अगर 1/3 पैसे में करना ही है तो लेट्स वेट फॉर यू नो दैट पीस ऑफ वर्क दैट रियली एक्साइट्स मी। एंड देन और एक सबसे बड़ी बात है कि ये तो चलो मैं कह रहा हूँ खुद के बारे में, मैंने ऐसा किया, बट आई फील आई वॉज बैक्ड बाय द गुड लॉर्ड, आई वॉज बैक्ड बाय माई डेस्टिनी एंड you know those few people who my next level has always come from them, you know Ekta especially, Sameer Nair, you know. And dekhiye kaisi baat hai ki jab maine apna career second time, jo meri second innings thi Star TV pe shuru ki, to Sameer Nair was heading Star TV and Ekta was running Balaji. And today, in the past 2 years, my two biggest pieces of work have been with them separately, but still been with them. And you know, there have been my friends who I thank, like Anurag. You know, I thank him for and Vikram Motwani. I'll always be grateful to them for considering me worthy of doing an Udaan. बड़े झगड़े हुए लेकिन वो पिक्चर बनी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री आई गेस। तो सो डाउन द लाइन आल्सो यू नो देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्लेस्ड देयर फेथ इन मी, लाइक करण जौहर एंड यू नो ऑल दीस पीपल हु हैव वर्कड विद, दे आर जस्ट टेरिफिक पीपल टू यू नो। ऑल आई कैन से इज दैट आई कैरी यू नो ग्रेटफुलनेस इन माय हार्ट that they put their trust in me, and I'm happy that I could, you know, kind of carry off their trust, and I hope I find it in me to, you know, to keep their trust for the entire length of my career. Right. Interestingly, even Sameer Nair, I think he has a fantastic taste when it comes to reading. And now, what sort of reading do you? कौन सी किताबें आप पढ़ना पसंद? हाँ, तो मैं नॉर्मली अपने अपनी एक्टिंग की कोई किताब लेके जाता हूँ साथ में, या तो मेरे पास मेरी एक्टिंग की किताब होती है या मेरे पास फिलोसफी की किताब होती है। तो आई रीड अ लॉट ऑफ ग्रीक फिलोसफी, एपिटेटस, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस एंड द रीसेंट बुक दैट आई एम रीडिंग। सो आई हैव रेड एडलर, आई हैव रेड हागेन, I've read Meisner, Stanislavski. I read very early in my career. I revisit that sometimes. The current book that I'm reading that I would really like to recommend to you know all the young actors is a book by Larry Moss. Larry Moss is a very renowned teacher who studied under Stella Adler, from Stella Adler. And he's one of the, you know, foremost coaches in the West. So I'm reading him nowadays. And मुझे एक किसी टीचर की बुक खत्म करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं फिर वो एक ही चैप्टर पे अटका रहता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं अपने अपने लैपटॉप पे अपना इंटरप्रिटेशन, अपने नोट्स लिखता हूँ। सो इट टेक्स मी अ गुड 6 to 8 months टू फिनिश a teacher's book. No, you know, that is very interesting about what you have shared with us, because there is definitely, I think, a huge shift from you, from what you were doing on television, and then what you did with Udaan and several, I think, landmark projects that you've had since then. I thank you very much. Lovely talking to you, as always. And congratulations for, I think, a fantastic journey, and the fact that, you know, it's so wonderful to know that the change that you felt, because that is very palpable. The change in your tag graph as an actor, I think, is definitely very palpable. And today we get to know that how exactly you made it happen. So please keep on reading, and please keep on watching those wonderful videos on YouTube. Thank you. Thank you very much, and all the best. Bye. Thank you very much.